हिमालय का व्यू कैसे दिख रहा है। ये भी अभी अभी आई है हमारे साथ में। गेट यहाँ से बंद है, दो मंदिर है, ये छोटा सा एक और मंदिर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8:30 बजे से, और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने विद्यालय से। तो आज मैं बहुत जल्दी आ गई थी और ये बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल। और यहाँ से सुबह सुबह देखिए हिमालय का व्यू कैसे दिख रहा है। अभी थोड़ी सी धुंध है, नहीं तो यहाँ से बहुत क्लियर दिखता है। और नीचे बेंजौड़ी गांव, ठीक इसके नीचे है बेंजौड़ी गांव। ये बहुत सारे खेत भी हैं, खेत में भी इन्होंने बो रखा है यहाँ पे कुछ ना कुछ। ये देखिए मैडम, तो ये भी अभी आई है हमारे साथ में। हेलो। तो गाइस, आज मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ स्कूल में, क्योंकि मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाती हूँ, तो मैं वहाँ से जल्दी आ गई हूँ। तो फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगी आज यहाँ का मंदिर। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि आपको ये मंदिर दिखाऊं, और मैं भी दर्शन करने नहीं जा पाई, तो आज मैं जाती हूँ और आपको भी दर्शन कराती हूँ, खुद भी दर्शन करके आती हूँ मैं आज। तो यहाँ पर नागराजा का मंदिर है, तो चलो चलती हूँ मैं थोड़ा सा नीचे पे स्कूल के, चलती हूँ और आपको दर्शन कराते हैं। और ये बच्चे भी मिल गए हमको रास्ते में। कौन से? और इस रास्ते में ना बहुत सारी झाड़ी झाड़ी हैं, और ये रास्ता है बेंजौड़ी गांव जाने वाला। तो यहाँ से आधा मैं आ गई हूँ, और यहाँ से ऊपर मंदिर वाला रास्ता, तो मैं यहाँ पे चलती हूँ। ये देखिए, तो ये रास्ता है, तो यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ी सीढ़ी हैं, और मैं जा रही हूँ सीढ़ियों के ऊपर, और मैं पहुँच चुकी हूँ मंदिर में। तो मंदिर का गेट यहाँ से बंद है, दो मंदिर। तो गाइस, एक मंदिर ये है, ये देखिए, और दूसरा ये छोटा सा एक और मंदिर है। ये दो दो मंदिर हैं यहाँ पे। और ये है राणा जी का घर यहाँ पे। ये हमारे स्कूल में काफ़ी आते हैं, इनसे मिल चुके हैं हम। और ऊपर हमारा स्कूल है, देखिए। तो गाइज, यहाँ का गेट बंद है, तो मैंने बाहर से ही दर्शन कर लिए हैं। तो काफ़ी अच्छा सुकून सा लगता है, सुकून सा मिलता है जब हम मंदिरों में जाते हैं। तो काफ़ी मैं, तो गाइस चलती हूँ मैं फिर से अपने स्कूल में, टाइम भी होने वाला है वंदना का, तो चलो चलती हूँ, फिर वंदना भी आपको दिखाती हूँ। तो पहुँच गई मैं अपने विद्यालय में, देखिए। और ये हमारे सर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये बच्चे अभी आ ही रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है वंदना का। तो मैं आज बहुत जल्दी आ गई थी। प्रणाम 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 प्रणाम। तो गाइस, एक विद्या मंदिर के बच्चे ही होते हैं जो प्रणाम करते हैं, पैरों को छूते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इतना संस्कारी बच्चे और इतने संस्कार दिए जाते हैं विद्या मंदिर में दीदी। तो गाइस, आ गई मैं वंदना में, और यहाँ पे वंदना स्टार्ट हो चुकी है। वंदना भी हो गई है, और काफ़ी अच्छी वंदना होती है यहाँ पे विद्या मंदिर में। मैं जब लगी ना यहाँ पे स्कूल में, जब मैंने ज्वाइनिंग की, तो मुझे यहाँ की वंदना बहुत अच्छी लगी। ऐसा किसी विद्यालय में नहीं होता है जहाँ पे सरस्वती माँ की फ़ोटो, भारत माता की फ़ोटो, ओम का चित्र बना रहता है, और पहले वहाँ पे दीप प्रज्वलित होता है, उसके बाद वहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ के बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं, संस्कारी हैं, पैर धोते हैं, प्रणाम करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब चलती हूँ क्लास में पढ़ाने के लिए, तो चल चलते हैं। एक तस्वीर आप सामने देख रहे होंगे, पढ़ रहे हो, ऐसे जीवन से क्या मिलता है? प्रेरणा मिलती है, और हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, बड़ा बन सकते हैं, इसकी ऐसा जो है भाव मन में आता है। और इसीलिए जब ऐसे लोग समाज से जाते हैं, तो उनके लिए श्रद्धांजलि हम लोग रखते हैं, ताकि उनके जीवन से हम लोगों को भी क्या मिले, शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले। और अभी तो उनका क्या था, पंच भौतिक शरीर था, यानी
जब उनके जीवन था तो एक जगह में थे, भाई कहाँ है, हॉस्पिटल में या घर में इलाज चल रहा है। लेकिन अब जब वो पंच तत्व, पांच तत्व जानते हो कौन कौन है, अग्नि, जल, पृथ्वी, तेज और वायु, है ना, इनसे शरीर बना है। और जब वो निकल जाता है फिर पंच तत्व, पंच तत्व में विलीन हो जाता है, तो मैं समझते वो फिर बड़ा बन जाता है, मतलब तब उनको, अब आज गांव वासी जी यहाँ भी उनकी आत्मा गांव है, उनकी और खंडूर जी की देन है दोनों व्यक्तियों की। उन्होंने इतना सुंदर विद्यालय भवन जो है यहाँ पे बनवाया, उनका एक संस्मरण जो मुझे याद है, उस समय वो